गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। माय नेम इज आदित्य और आज मैं अपना सप्लीमेंट स्टैक के बारे में बताने वाला हूँ, द सप्लीमेंट स्टैक विच आई यूज ड्यूरिंग माय कटिंग। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो नंबर वन सप्लीमेंट स्टैक हमारा आता है, द मोस्ट प्रायोरिटी शुड बी वे प्रोटीन। जैसे मेरे पास ये 1, 2, 3, 4 ये मैंने डब्बे के अंदर निकाल लिया था मैंगो फ्लेवर, ये वे कॉन्सेंट्रेट है और ये 3 वे आइसोलेट है, डिफरेंट फ्लेवर्स, एक चॉकलेट वगैरह। ये सारे 3 से 4 टाइप के सप्लीमेंट्स यूज करता हूँ। तो जिसमें नंबर वन कैटेगरी के अंदर आता है हमारा वे प्रोटीन, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं वे प्रोटीन को, क्योंकि हमारी रिकवरी ही वे प्रोटीन से मिलती है, क्योंकि ये फास्ट डाइजेस्टिंग होता है। तो ये ऑप्टिम न्यूट्रिशन, हम ब्रांड कोई भी यूज कर सकते हैं, बस प्रोडक्ट जेन्युइन होना चाहिए। जैसे कि सबसे ज्यादा पायरेसी भी ऑप्टिम न्यूट्रिशन के अंदर ही आती है, तो हमें सारे देख के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो ये हो गई प्रोटीन की बात। इसके अंदर ये मैंगो फ्लेवर है, ये वे कॉन्सेंट्रेट मैंने डब्बे के अंदर निकाल लिया था। तो नेक्स्ट सप्लीमेंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कटिंग के अंदर, वो है क्रिएटिन। क्रिएटिन हमें काफी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ये एक काफी सेफ और सस्ता सप्लीमेंट है। इसका प्राइस अराउंड होगा 800 के आसपास और ये काफी मंथ्स चल जाता है। मेरा तो जैसे 3 to 4 मंथ्स चल जाता है, क्योंकि इसको बल्किंग के टाइम पर यूज करता हूं। और नेक्स्ट सप्लीमेंट है, दिस इज माय फेवरेट, लिटरली दिस इज माय फेवरेट, प्री वर्कआउट। ये इतना मतलब मेरे को हेल्प करता है वर्कआउट करने के लिए, हैवी पुश करने के लिए, कि लाइक बीच में मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट सा हो गया था, जो कि गलत बात है। फिर इसको धीरे धीरे सी क्वांटिटी कम करी, अब मैं इसको सिर्फ लेग डेज वगैरह पर ही लेता हूँ। पर ये बहुत बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, हल्का सा एक्सपेंसिव साइड पर आ जाता है, पर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस अराउंड 2000 रुपीज है। तो हम इसको प्रेफर कर सकते हैं और ये मसल बिल्डिंग के अंदर हेल्प नहीं करता, बट ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम हैवी लिफ्ट करें, तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली ये हमें मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करता है। और नेक्स्ट सप्लीमेंट है BCAA, ये काफी इसको एडिशनल सप्लीमेंट कह सकते हैं, इसको इंट्रा वर्कआउट वर्कआउट के बीच में इसको हम पी सकते हैं। मैं हाफ स्कूप डाल लेता हूँ पानी के अंदर, 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर, तो ये हल्का सा सिप करता है तो वर्कआउट के टाइम। बाकी मेरे को इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं रहती एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं प्री वर्कआउट लेके जाता हूँ लेग डे या फिर अगर कोई बहुत हैवी मसल लगाना होगा। तो ये BCAA भी हम ऐड कर सकते हैं, ये चीप तो होता है पर हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, तो इसकी जगह हम नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सप्लीमेंट आता है L-carnitine। ये L-carnitine का काम होता है फैट बर्न करना, फैट को कन्वर्ट करना एनर्जी में। तो ये हम सिर्फ कटिंग के टाइम यूज कर सकते हैं, बल्किंग के टाइम पे तो फायदा नहीं है, कि हम उस टाइम हम मसल गेन कर रहे होते हैं ना कि फैट कट। तो हम L-carnitine काफी सेफ सप्लीमेंट कह सकते हैं और इसकी डोजेज में अराउंड 2000 mg लेता हूँ एक 1 डे के अंदर, और इसको मैं बिफोर वर्कआउट जिम के अंदर और एक बार सुबह एम्प्टी स्टमक लेता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है हमारा वे प्रोटीन। जो लोग परचेज नहीं कर सकते एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स, दे शुड ऑलवेज गो फर्स्ट विद वे प्रोटीन्स, क्योंकि बाकी सारे सप्लीमेंट्स एडिशनल हैं। हमें हमेशा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए हमारे प्रोटीन इनटेक के ऊपर, कि हमें जितनी जल्दी रिकवरी होगी हम उतना अच्छा वर्कआउट कर पाएंगे और उतना अच्छा मसल मेंटेन कर पाएंगे। कटिंग के अंदर मसल साइज इंक्रीज नहीं होता, तो हम जितना पुश करेंगे अपनी बॉडी को वर्कआउट करने के लिए एक लिमिट तक, उतना हम अपना मसल रिटेन कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट ड्यूरिंग कटिंग। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट आता है हमारा क्रिएटिन। क्रिएटिन आपके मसल्स के अंदर वाटर फिल कर देते हैं और आपको एक्स्ट्रा पुश देते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट सप्लीमेंट हमारा आता है प्री वर्कआउट। ये इसको हम एडिशनल कह सकते हैं, इसकी जगह ब्लैक कॉफी भी ले सकते हो, पर जो पंप प्री वर्कआउट देता है वो ब्लैक कॉफी तो ऑब्वियसली नहीं दे सकती। तो जो लास्ट सप्लीमेंट है वो हमारा है BCAA। और BCAA हम इसको ज्यादातर लोग अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि उनको इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल कटिंग के अंदर हमें स्टिंग, रेडबुल वगैरह जो भी एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं, इनसे पर कोई यूसेज नहीं है, तो हमें ये अवॉइड ही करनी चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि इनके अंदर एम्प्टी कैलोरीज होती है, शुगर होती है सिर्फ, वो बॉडी के लिए फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। तो BCAA भी चीप सप्लीमेंट है, कुछ अराउंड 700 to 800 रुपीज का आपको पड़ जाएगा, तो आप BCAA कर सकते हो इंट्रा वर्कआउट के अंदर। गाइस, ये था मेरा पूरा सप्लीमेंट स्टैक। आई होप मैंने आपकी लाइफ के अंदर थोड़ी सी नॉलेज बढ़ा दी होगी,
अगर मैं थोड़ी अगर मैंने 1% 0.1% भी आपकी लाइफ में नॉलेज बढ़ाई है तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग.